जानवर है वो क्या नुकसान करेगा? जानवर नहीं करते नुकसान, तो अब बंद किया हुआ है उसके लगी हुई है वो क्या सीमेंट खाएगा? थोड़ी ना सीमेंट खाएगा, नहीं बोरी फेंक देगा फट जाएगी। पशु वाले टीम का हमें कॉल आया था, उन्हें कचियारी में एक बुल के रेस्क्यू में हमारी मदद चाहिए थी। रस्सी देख के करता, वैसे तो ऐसे नहीं मारता। बुल काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था, एनर्जेटिक था और उन्हें रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही थी, तो हमारी टीम डार्ट गन लेके वहाँ रेस्क्यू में मदद करने पहुँची थी। 15 मिनट्स लेटर। अच्छा बोल। बाहर तो आ जाएगा लेकिन इसके ऊपर चढ़ेगा। पूरा पागल हो गई। पास करा। एक दो तीन चार। क्या हो गया इसको? बकवास कर। पैर को हमने बंद किया, बोरी का बोरी आपने किसको पूछ के बांध दिया? क्या भाई हम सोशल कॉज के लिए कर रहे हैं? सोशल कॉज का तो मेरा तो नुकसान हुआ ना। क्या नुकसान हुआ? पैसे दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ मैं। बजाम लेकर जाएंगे बोरी आपके यहाँ। हाँ क्या लेते हैं मेरे को कहाँ से दे? जब बोरी रुका तब पैसे दूंगा ना मैं। या तो अभी बोरी निकलवा दो, पैसे दे देंगे आप। लेबर लगाओ आप, ऐसे ही बोरियाँ उठाओ। हम क्यों निकल गए? हमको बोरी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होगा। निकाल के तो लेबर होगी आपकी, निकाल के दो फिर। क्या बोल रहे हो? क्या देख रहे हैं आप? ये पहले से पता है, ये भी कर ली कि फटी हो। ये भी तो फटी है, इसमें शायद ऐसा हमें उसको हाँ इसको जरा बाहर कर दे। तेल तो दिए पैसे मेरे के आप तो पैसे था कर रहे हैं। लेबर वैसे आपकी होती है, लेबर का काम आपका है। अभी उन्होंने उस बुल को शिफ्ट किया हुआ है एक लोकेशन पे, और उसकी ट्रीटमेंट वहाँ पर चल रही है जो उसका ब्रोकन हॉर्न है उसके लिए। हुआ क्या भैया को? ट्यूमर है ये, ऑलमोस्ट ना बर्स्ट करने वाला है ट्यूमर। आजा। तो आप डेली खाने खिलाते हो इनको? हम डेली दो टाइम क्या तीन टाइम इनका खाना आता ही आता है, खूब रज के खाते हैं। चित्तू आ, इलाज नहीं कराना तूने? नहीं नहीं इसको खुला रख लो। नहीं चलिए वैसे। अरे ये लो, ये देखो मुंह में डालो आप। मैं ये देखना इसका ट्यूमर बहुत बड़ा है। क्या हुआ डॉक्टर? कान में ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। दोनों कुत्ते लड़ रहे हैं। पहले भी उसने काटा था इसको, फिर इसको भेजा था, दो तीन बार तो भेज चुके हैं। तो ये पालतू है आपका? पालतू तो नहीं है, यही रहते हैं बेचारे। आपको इन लग रहे डॉग? पहले भी आए हमारे पास शायद। हाँ, कॉलर लगा हुआ ना अंग्रेज था। ये आया हुआ पहले कि भी तो कान में मून था ना अंग्रेज। हाँ। के यहाँ मेरे को ये अंग्रेज लग रहा है। अंग्रेज? हाँ। तेरे बोलने का मतलब क्या है डॉक्टर मांसू? कितने दिख रहे हैं? मेरा ऐसा तो कोई मतलब नहीं था। कुत्ते तेरा मतलब वही होता है कि डॉक्टर मांसू को इंडक्टरी तो बोल रहे हैं इतने तरह दिख रहा है। मैंने तो लोगों ने तो हमें बदनाम कर रखा है, किसी का नाम राज रख देते हैं, अब इसका डॉक्टर मांशु रख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? पट्टी करो, पट्टी कैसे कर दो केज में? हम सरबाज वो मैगट्स मारने के लिए जो लिक्विड डाला जाता है मैगसाइड गॉज होता है उसमें डाल के अंदर पट्टी कर देंगे।
ताकि जो मैगेट्स हैं वो मर जाए और कल ठीक से सफाई करेंगे वो उनकी, है ना। और अभी क्योंकि क्या है हमारे पास इतना टाइम भी नहीं बचा और बारिश हो रही है, हैंडलिंग में मुश्किल आएगी। बहुत सही डॉग है, पर मैंने मज़ा लगाया, पहले बताना था मज़ा की ज़रूरत नहीं है। सर बहुत खुश लग रहे हो आप। तुम्हें एक तो जबरदस्ती बुलाया है मुझे, मैं सैंक्चुरी जा रहा हूँ, मैं लिख रहा था चीजें। बटन खोलो, तुम खोलो, लो। बेरोजगार होते हैं क्यों? बेरोजगार तो मैं फिर भी नहीं होता, किराया तो तब भी आता। विक्की ने कुछ जुगाड़ लड़ाया था कि कस्टम ड्यूटी ना देनी पड़े मैं। मेरा यूट्यूब से एक सवाल है, ये इंडिया में क्यों नहीं बन सकते बटन? मशीन नहीं होगी सर शायद यहाँ पे, या बटन बनाने की मशीन नहीं होगी ये वाला। क्या कह रहे हो? ज्योति भी सरप्राइज है। मुझे बताओ 21 में ऐसा क्या है जो ये भारत में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता? हमने वो मेड इन इंडिया वाला शेर हर जगह लगा दिया, आई एम श्योर एक आध सैटेलाइट भी घूम रही है ऊपर। तुम कैसे लग रहे हो ज्योति? बताओ। It's all the same for me. मेरे लिए तो काम बढ़ गया, अब एक टंगाओ इसको। लो जी, ले जाओ ये। धन्यवाद। कैसा लग रहा सर? इस बटन के बिना जीवन ऐसा अधूरा सा था। क्या बोलूं मैं और? अभी हमारे रेस्क्यूज अभी फ्रीज पे हो गए ना अब तो? बिल्कुल, जो रेजिडेंट बनाने के लिए जो बिल्कुल लेके नहीं आना है हमें पालमपुर से, उसके वो तो भेजा है ना। इसकी भैया टांग टूट गई है, एक्सीडेंट हुआ है, फिर इसका वेटरनरी वालों ने इलाज भी किया है, फिर उसके बाद उनसे ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने ऐसे छोड़ दिया। ये अंदर बैठा हुआ है। ओके, बैठा तो है ना। झाड़ियों से निकालना है? निकालना पड़ेगा। बम्बर रस्सी हम झाड़ियों में डालेंगे या रस्सी गाड़ी में डालेंगे? अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब ज्यादा बेहोश होश करेंगे पहले या डायरेक्ट रस्सी डालेंगे? डायरेक्ट डालेंगे। ओके ओके ओके। उठ गया उठ गया उठ गया, हट जा जा, टोली पीछे चली जा, सही से पकड़ रस्सी। केले लाए? नहीं खा रहा केले, नहीं खा रहा केले। ये रिश्वत खोरनी है। चल चल। वेलकम टू सेंचुरी डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। किसके ट्रीटमेंट के लिए आए हैं आज आप यहाँ? हम एक रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं और एक एडिशनल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। तो उन दोनों जानवरों ट्रीटमेंट में है चाचू और एडिशनल ट्रीटमेंट में हमारी चिंगारी। तो काफी ठीक हो गया सर इसका, चाचू का ना। ये हुआ क्या था इसके यहाँ पे वैसे? पहले इसको जख्म होंगे ना, और उस पर स्कैब हो गए थे फिर। अच्छा। और उसके बाद इसको फिर यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ। ओपन वाउंड रखना है, पट्टी कर रहे हैं? ओपन। मैगेट वैगेट का तो डर नहीं है अब? नहीं है। वैसे भी इस थोड़ी देर में अपने बाल इस तरफ कर लेता तो वैसे ही मक्खी नहीं आती है। समझदार है। तुम पे गया सर? चिंगारी का क्या सीन चल रहा है? पैर के गोड्डा कैसे फूल गया इसका? क्या 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 बताओ। जॉइंट में इन्फेक्शन तो है, जॉइंट में इन्फेक्शन होता तो वही बस्ट नहीं हुआ है अभी उसका। अच्छा। हमने उसको पहले एंटीबायोटिक शुरू कर दिया, हो सकता है कि वो अब बस्ट हो जाए या तो अभी पूरा धीरे धीरे करके बैठ जाए। खुद काट के नहीं निकाल सकते जैसे आर्ट का करते हैं? बस्ट खुद से किया तो फिर बहुत मैनेजमेंट थोड़ी सी ज़्यादा देखनी पड़ेगी इसकी, और हम इसको नीचे नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि स्पेस नहीं है, उसको यहीं रखना पड़ेगा। फिर फ्लाइज वगैरह का सीजन है तो बहुत सारे इश्यूज हैं। विक्रम को हमने सोचा था कि सब कुछ हील हो गया, अब सडनली उसको कोई इन्फेक्शन हो गया। तुमको लग रहा है क्या उसके एयर पे ट्विच है? बिकॉज जितने भी दूसरे सिम्टम्स हैं वो सारे के नाइनस टेम्प की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसको दो दिन पहले से लंग साउंड इसके काफ़ी हैवी थे, वॉमिट कर रहा था तो सिर्फ झाग झाग निकल रही थी। खाना इसने नहीं खाया है दो दिन से, और कल भी प्रॉपर ट्रीटमेंट हुई है, परसों भी ट्रीटमेंट हुई है, लेकिन अभी और सिम्टम बढ़ते जा रहे हैं ना। मैं वो सिम्टम उसको टीटी वाला ही लग रहा है। इसको बड़े टाइम से इसको हिट कर दिया था किसी गाड़ी ने ना, इसके मतलब ऊपर ही चढ़ा दी बाइक वाले ने, वो ऊपर चढ़ा दी। ये ट्विच इसको शुरू से है, 2 मंथ हो गए हैं। जो ये ट्विच है ना वो नर्वस वो तो है, सिम्टम है ही, लेकिन हमारे सबसे पहला खतरा ये ट्विच देख के हमें केनाइन डिस्टेम्पर का लगेगा ना, क्योंकि केनाइन डिस्टेम्पर एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि बहुत जल्दी फैलता है। मेरे पास लेब्रा डॉग है, ये उसके साथ खेलती थी कितने टाइम से, ऐसे करती है महीना भर। वैक्सीनेटेड है? हाँ तो वो फर्क वो तो बहुत आशा लेके आई हूँ डॉक्टर। मैं इसको कहाँ रखूँगी बताइए ना, मैं कहाँ रखूँगी? मैं आपको केज दे देती हूँ, मैं आपको रोज वहाँ पर हम गग्गल आके ट्रीटमेंट कर देंगे, अभी पे भी ट्रीटमेंट करवा देती हूँ। मैं कितनी रिस्क लेके आई हूँ, ये तो हम लोग एनिमल लवर है। देखिए मेरे घर में मैंने आई डोंट बिकॉज़ यू आर शूटिंग इट, आई डोंट वांट टू सी। आप एक बार सोचो, आप एनिमल लवर हो, हम इसको रख लेंगे, इसके चक्कर में 10 डॉग और मर जाएंगे। आप मान
अब हाँ। समझो ये रिस्क है, तो लाइफ का रिस्क है, यहाँ पे कहीं पे रख सकते हैं। एटलीस्ट आपको ये होगा कि आप जैसे चारों तरफ एटलीस्ट यू वर्क फॉर दिस थिंग ना। यस मैम, अगर मैं इसके लिए काम करती तो मैं इसको अपने घर रख लेती। हाँ, अगर हम इसको रख लेते हैं बाकी सबकी डॉग्स की डेथ हो जाती है इसके चक्कर में, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ऐसे कैसे मैम, हम तो डेली एक्सपीरियंस करते हैं। आप एक डॉग का सोच रहे हैं, मुझे वहाँ पर जो हमारे 28 डॉग्स हैं अंदर उनके बारे में भी सोचना है ना साथ में। ये अगर बच पाएगा तो आपके घर भी बच पाएगा, वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। नहीं हो सकता है, इतने दिन से हम देख रहे हैं, कौन करता है? हम करेंगे ना आगे, हम आप ही करेंगे। मैं बोल तो रही हूँ, मैं आपको केज भी दे देती हूँ डॉग को रखने के लिए। रखने नहीं देंगे ना, वो डॉग हमारा, आपको नहीं पता यार। मुझे 5 मिनट दीजिए, है ना, मुझे मुझे सर से मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको भी कोऑपरेट करना होगा। प्लीज ट्राई, आज आप वो कर रहे हैं, अगर आप इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट ना, बस 5 मिनट दीजिए। बेसिकली वो लाई इंजरी के लिए है, लेकिन डॉग को ट्विचिंग भी है ना, बहुत ऑब्वियस ट्विचिंग है। अब वो जब बहुत जिद कर रहे हैं ना, मतलब वो सुनने को ही तैयार नहीं है। चोट कितनी गहरी है? मतलब है, चोट तो है पेट में, मैंने जितना देखा टच नहीं किया था, वुंड दिख रहे थे, डीप दिख रहे थे। और वो सस्पेक्टेड डॉग जो होते हैं हमारे, उनके लिए कैनल होता है ना आइसोलेशन वाला, उसमें रखवा देते हैं। हाँ, लो, लो, वो तो कुछ क्या करें, मेरे को पता था इसलिए आपको बोलने I take her back when she will be fine. वो तो मैम ऑब्वियस है, वो तो हम लोग हर बार रिलीज उसी। थैंक यू सो मच। बट लाइक आई ऑनेस्टली टेल यू कि जो मैं रिस्क ले रही हूँ ना, वो बाकी जानवरों के लिए मुझे ज़्यादा डर लग रहा है। ये मैं कोई पता है हम लोगों को आंसर करना, जैसे जब आपकी तरह के लोग हमारे पास डॉग लेके आते हैं ना, और जब देखिए अगर डॉग आया है उसको इंजरी है, हमने उसको एडमिट किया, मान लो उसकी कोई सर्जरी रिक्वायर्ड है ना, फिर अगर इस तरीके के केस हमारे पास होते हैं और उस डॉग को और ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि उसकी तो अभी अभी सर्जरी हुई है, है ना, और हम कोई घर वाला माहौल तो नहीं दे पाते, हम तो जो दे रहे हैं वो ये, उसके बाद जब उसकी डेथ होती है ना किसी कारण, हमें आंसर करना पड़ता है कि भाई हमारा डॉग आया था, हमने एम्पूटेशन के लिए इसको भेजा था, है ना, और सर्जरी हुई, सक्सेसफुल चल रहा था, फिर अचानक इसको कैसे कैसे डेथ हो गई, वो आंसर हमें करना पड़ता है। वही इसको मैं क्रिस्टी बोलती हूँ। हुआ क्या इसको? इसको शायद वायर जैसे कुछ खाने ढूंढने जा रही, तो शायद से कोई ये लोहे की वो लगी होगी जो ये होती है पेट में। हाँ, यहाँ पे लगी थी इसको। अच्छा, ये भी थोड़ी देर पहले करते, गाड़ी भी चढ़ी थी इसके ऊपर, वो तब वो तो जब वो जब उससे पहले की बात थी ना, जब हाँ। ये तब तो उस टाइम भी चढ़ी हुई थी, इसका मतलब बाइक वाला था वो हिट कर गया, हिट कर गया था, तो उसके बाद से इसको ये शुरू हुआ। तब वुंड था इसको, तब कोई इंजरी थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं थी, बस हल्का सा करूंगा ताकि तुझे काटे ना। आज ऐसे ऐसे हो जा, बस बस कुछ नहीं कर रहे, ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आज हम मैगट्स के लिए दवाई डालेंगे बीच में जी, जिससे कि मैगट्स मर जाएं, कल सुबह हम मैगट्स निकालेंगे इसके। फिर अपॉइंटमेंट, दवाई दवाई है, दवाई है, बस बस क्रिस्टीन दवाई है। तो बच्चा पट्टी नहीं खोलते हैं, तू तो बड़ी शैतान है। बस लड़की, ये भी इसको थोड़ा सा लंप जैसा है, पर इसमें कंसिस्टेंसी इसकी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि फैट टिश्यू है इसमें। ये ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा इसको, पर बाकी चीज़ें देखनी पड़ेगी। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है अभी? ये इसमें मैगट होना है, दिक्कत है टीवी टीवी साथ में, बस वही लग रहा है कि इसके कान में शायद डॉग बाइट हुई हो सकती है, उसके लिए हम उसके एंटी टीबी भी शुरू कर रहे हैं। एंटी रेबीज। इसका फ्लूइड्स क्यों दे रहे हैं? थोड़ा सा डिहाइड्रेशन है इसलिए दे रहे हैं। फोर ऑन टिक्स एंड फ्लीज के लिए। कहाँ पर है डॉग? इस डब्बे में पूरे ही ना खारिश खारिश का ना पास पास पे ही हो रहे जो। अच्छा, वैसे फ्रेंडली है, काट देगा नहीं है बेचारे। चलो फाइनली अब होप तो है कि ठीक हो जाएगी। पहले क्या इसका मुंह बड़ा फूला हुआ था, अब वो मुझे लगता फट गया, अब वो हल्का पड़ गया, लेकिन ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग तो वो जो पास थी वो निकल गई होगी। तो स्किन कंडीशन है, प्लस साथ में इसको टिक्स थे और साथ में जॉन्डिस भी लग रहा है। वो जो आप सैंपल्स ले रहे हो वो स्किन स्क्रैप है इसकी, स्किन टेस्ट के लिए। इसकी भी क्लीनिंग चल रही है बीटाडीन से, इसके बाद इसको पाउडर लगेगा पैरों के बीच में, प्लस बाकी की ट्रीटमेंट इसकी जो डिसाइड होगी, जो स्पेसिफिक कुछ होगा तो वो टेस्ट के बाद, जैसे कि ब्लड टेस्ट के, स्किन स्क्रैप के बाद। तू दवा नहीं खाती क्या? ठीक नहीं हो ना मुन्ने? इसको ट्यूमर है तो इसको हम अभी सपोर्टिव इंजेक्शंस पे रखा है हमने भी। ओ मेरा मुन्ना, ओ गुलु 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 गुलु। अरे पापा, प्लस अभी इसकी खाना नहीं खा रही, हो सकता थोड़ी स्ट्रेस हो, बाहर से आई है। जब ब्लड टेस्ट आ जाएंगे उसकी रिपोर्ट, उसके बाद पता चलेगा कब सर्जरी। इसकी सर्जरी है ट्यूमर की? हां
कटनी है भाई। ओ गिली गिली अप्पा, गिली गिली अप्पा। बच इसको वुंड है, मैगेट वुंड है नीचे। अच्छा खुर के ऊपर इसका ये वाली जो टांग है इसमें इसका फ्रैक्चर जो है वो गलत जुड़ गया है। अच्छा जॉइंट से लेकर नीचे ले तक हिस्से तक तो वो वैसा ही रहेगा, वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो सर जैसे एक टांग टूटी हुई है तो फिर इसके जीने का मतलब वो नहीं हो जाएगा, मतलब बहुत मुश्किल नहीं इसकी लाइफ है? पर अभी तो ये इधर ही रहेगा शायद, तो कर लेगा। इसको अडॉप्ट कर रहे हैं हम। पहला ही ट्रीटमेंट है ना इसका आज, तभी डर रहा है बेचारा, ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हम। आज ये खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेटा हुआ था अपने कैनल में। हम जब आए तो हमने फिर इसको बाहर निकाला, खड़े करने की कोशिश की, नहीं खड़ा हो रहा है। पर अभी ये इसको बैठ गया है, एनीमिया थोड़ा ज़्यादा है इसको, टेम्परेचर भी काफ़ी ड्रॉप्ड है इसका। ये इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा ये किसी के लिए रख रखा हमने? इसके लिए, ओरल रिहाइड्रेशन के लिए। अच्छा बट ये पानी पी नहीं रहा है, दैट्स व्हाई हम फ्रूट थेरेपी कर रहे हैं। ओके ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि खून की बहुत कमी है इसमें। तो जैसे जानवरों में खून की कमी हो जाती है तो हम खून भी चढ़ाते हैं? चढ़ाते हैं। जैसे इंसानों में होता है पॉजिटिव बी पॉजिटिव, वैसे इनमें भी ऐसे ही होते हैं? इनमें कुछ अलग तरह होते हैं? इनके 11 ब्लड ग्रुप है जानवरों में, कैटल गायों के। क्या हुआ? जो भी कंडीशन ठीक नहीं है, मैंने सुबह सुबह सर को फ़ोन करके बुलाया था, इसके लिए ब्रीदिंग इशूज हैं, जो उसको सीवियर एनीमिया है उसकी वजह से इसकी कंडीशन ऐसी हुई है। बिल्कुल वाइट है तो खून बहुत ही कम है। जब उसका लास्ट ब्लड टेस्ट हुआ उस पर 5.5 ग्राम आया था, पर मुझे लग रहा 5.5 भी बचा है। पिछले 2-3 दिन से और डल हो गया था ये, जब वापस आया ये हमारे पास, उसके बाद पूरी कोशिश कर रहे थे है ना, डाइट मेंटेन कर रहे थे, एनीमिया सपोर्ट दे रहे थे, ऊपर से इसको बार बार खड़े करने के लिए भी ध्यान रखते थे कि ठीक है भाई ज़्यादा देर बैठा ना रहे, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि इसके चांसेस हैं। ए बबलू, बबलू का फ्लूइड्स का लगा रहा है? बबलू की किडनी में प्रॉब्लम नज़र आ रही है और उसको करेक्ट करने के लिए हम फ्लूइड थेरेपी से सपोर्ट दे रहे हैं। मारते है बबलू? अबे तक क्यूट सा नाम तो रखा है इसका। बबलू नाम के सारे क्यूट नहीं होते। पीपल फार्म रेस्क्यूज़ पे अभी हमने एक वीडियो डाला था जो लोगों को बहुत पसंद आया। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा भी जिन्होंने एडिट किया उनकी शक्लें दिखाइए, तो ये रहे वो दो लोग। तो आप वो वीडियो जाके देखिए, और क्योंकि अब हमने आपकी बात मानी है आप भी हमारी बात मानिए, हमारा ये वाला वीडियो लाइक कर दीजिए। और इसके अलावा आपको किसका काम अच्छा लगता है, किसकी तारीफ करनी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। बाय बाय बाय। इसके बिना बात ही ना बनती ना। बेस्ट 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 बेस्ट।